हम लोग हमेशा सुनते आए हैं 62 वॉर हम लोग हार गए। इस वॉर के जो हम लोग जीते हैं इसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। आप क्या मानते हैं कि आखिर के बारे में लोगों को क्यों इतनी अवेयरनेस नहीं रही? आपने इतना अच्छा रोल किया है, उसका एक यादगार एक करेक्टर किया है। अच्छा, मुझे भी नहीं पता था कि 1967 में ये स्कर्मिश जो हुई थी, जो छोटा सा बैटल था वो हुआ था। दैट इज़ थैंक्स टू जे पी सर दैट ही ब्रॉट द सब्जेक्ट टू मी एंड व्हेन आई हर्ड अबाउट इट रोंटे खड़े हुए थे मेरे एंड आई वाज रियली लाइक वाओ दिस रियली डिड हैपन। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जितने भी किरदार हैं हम सब के, यू नो, उन्होंने जो फैसले लिए, जिन्होंने जो सैक्रिफाइसेस किए थे, दे आर ऑल आर ट्रू हीरोज। उनके नाम ना बद वही हैं, जैसे कि मेरा नाम, मेरे किरदार का नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल राय सिंह, जो कमांडिंग ऑफिसर थे इस पलटन के। उनकी जो सोच थी वो कहाँ से थे, यू नो, उन्होंने किस तरीके को तरीके से इस पलटन को रखा वहाँ पर। और उस वक्त सिक्किम तो हमारे साथ था भी नहीं, सिक्किम वॉज अ प्रोटेक्टोरेट। उनके राजा ने हमारे फौज को ये जिम्मेदारी दी थी कि वो चीन के खिलाफ हमें प्रोटेक्ट करें, उन्हें प्रोटेक्ट करें। इस वॉर के बाद सिक्किम जॉइंट अस एंड टू नो दिस हिस्ट्री। क्यों छुपाया गया था आई डोंट नो, आई थिंक इसलिए छुपाया गया था कि जब लोगों को पता चले तो इस फिल्म के ज़रिए पता चले, यू नो, कि जे पी सर को ये फिल्म कहानी बतानी थी, उनके तरीके से बतानी थी। इसे ना हम पॉलिटिकल करना चाहते हैं ना उस हिसाब से सोचना चाहिए, मगर देयर वर सैक्रिफाइसेस दैट वर मेड, देयर वाज अ लॉट ऑफ डिसीजंस दैट वर टेकन व्हिच वर नॉट इन सिंक विद द गवर्नमेंट, यू नो। एंड आई थिंक इफ दीज सोल्जर्स डिड नॉट मेक दोज डिसीजंस टुडे, इंडियाज मैप वुड हैव बीन वेरी 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 डिफरेंट एंड वी वुड हैव बीन वेरी वल्नरेबल एज अ कंट्री टू लूज सिक्किम or not have Sikkim as part of us. So I don't know why this story was hidden. I think is film ko dekhne ke baad lot of people are going to ask that question and I hope that they ask that question. Subscribe to Biscuit TV and press the bell icon on your YouTube app and never miss another Bollywood update from Biscuit TV.